Policy Package 2019-20 guna mpui road sugut kai beza ram ciram ramji benai undung lokalo mana ani sui iza ci bamra ba tingku sampai gelai la kaza pe dakra rampui umba ne ma patron JHA NEI pabam dung ro aje madai kena keu kum sang na ja kai ka kum अभी आगे जो हम लोग उनका एरिया साहिब का जितना भी कैंडिडेट गया था ना, तो भी हम लोग उनका रामगा साहिब आ गया तो अभी मोदी सर भी है हम लोग का, इसलिए इस साल तो हम लोग रास्ता बनाया तो बहुत हम लोग को आराम भी मिला हुआ है। एरिया का हम लोग का इतना कैंडिडेट लोग था, उसी समय में तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन अभी रामगा से आते समय में अभी बनाया हुआ है, तो हम लोग उनका सुविधा अच्छा से मिला हुआ है। हम लोग उनका पैदल उधर जाने को भी तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए हम लोग का यही बार तो बहुत खुशी हुआ है। आप लोग से रास्ता वस्ता भी सुंदर बना दिया, इसलिए पहला बीमार होने में हम लोग बहुत तकलीफ भी मिला है, गाड़ी तक भी चला नहीं सकता है, तो अभी तो बीमार उमर वन से भी अभी गाड़ी भी तो एक दो घंटा का अंदर से आ जाता, आराम मिल गया बोल के रास्ता तो, इसलिए तो यही बार का हम लोग को बहुत एरिया को तो हमारा खुशी लगा है। हम सेकेंड भी है जो शुक्र है, अभी बीजेपी चलता है ना, ये वाला को तो हम पसंद लगता है। आगे कांग्रेस का समय में इतना तक भी हम लोग तकलीफ होके बैठा रहा, तो भी एक बार हम लोग बीजेपी का सरकार निकाल गया तो हम लोग उनको भी रास्ता भी पूरा सुविधा आ गया, बीमार उमर होने से भी हम लोग आराम से हॉस्पिटल जाओ जो भी जाओ सुविधा मिल गया बोल के बहुत खुशी लगा है। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोग घर में आने का खास सही बात है, अभी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट चल रहा है और आप एक लोग बहुत खुशी है, मतलब उत्साहित है। इसका कारण है हम लोग का बीजेपी सरकार जो कोना कोना में काम दे रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है और सबके साथ सबके विकास का चरित्र जो है असलियत आ रहा है ये समझता हूँ। और खास करके हम लोग का जो ऑटोनमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है देवलाल गौरसा जी गौरलौसा जी, वो जमने हम लोग कह रहे हैं जैसे कि जमने इंटीरियर जगह को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, तो इन्हीं का बदौलत है आज जो काम चल रहा है, उनका मदद से उनका माया से बहुत सारा काम जमने में अभी चल रहा है। सर हम लोग हाँ अभी क्वेश्चन हम लोग अभी एम एस सी पैकेज का द्वारा मेन रोड से 15 किलोमीटर ज़्यादा है बहुत घना जंगल था बाहर का, वो उन्होंने पहुँचा दिया, इसलिए बहुत खुशी है। उस दिन में उन्होंने एक तो पत्थर का स्मारक बताया है याद हमेशा याद रखने के लिए। और आगे का कार्यक्रम बहुत है, अभी सोलर सिस्टम से करंट चल रहा है और अभी जल्दी जल्दी हम लोग करंट वहाँ पहुँचाने का व्यवस्था कर रहा है, पानी का बोलो या वेटनरी सेंटर भी वहाँ में इस बार निर्माण करने का विचार है। सर कब 10-12 बस्ती से पहुँचा दिया है उन्होंने, आगे में खाली एक ही रोड था AJMB रोड, वे आप लोग जोरा मिचड़ी बोरसनम रोड ही था, अभी इन दोनों लोग रास्ता पहुँच गया है, रख लोग रास्ता पहुँचा है, नया बोलोसन पहुँचा, रामजी पहुँचा,
परिश्रम में होकाई पुंची ड्यूरिंग होकाई क्रिश्चियन होकाई हिंदू हम लोग का एरिया में राउतीला भी आता है और छोटो हपलोंग इंचाई कांग नरेवलो ये सब बहुत सारा बस्ती में नया रास्ता ऊंचा दिया गया है। अभी फिलहाल कच्चा रास्ता है, उसमें जल्द से जल्द परमानेंट स्ट्रक्चर उठाने वाला है पीएम जयशाय के द्वारा या सेंट्रल स्कीम के द्वारा, हम लोग मांग कर रहा है। तो सर हाँ हो सकता है वहाँ पर अभी बोलोसन में एक तो पाथर है गोपास्तम सबसे हाइस्ट वहाँ पर मिला है, हम लोग का पूर्व आगे पुराना लोगों का विचार है वो श्याम मैंने ताई लोग का पाथर है आगे में ताई बस्ती बसारा ऐसा है, वे बोलोसन में है, हराकिलो में भी है वो और चाइकाम बस्ती में भी है और खास करके हराकिलो में एक कैफ है उसका भी बहुत काफ़ी फेमस है और ये उसके लिए स्टेज से हम लोग को असम दर्शन बोल के रास्ता बनाना भी 2 किलोमीटर दिया है, ब्लैक टॉपिंग चल रहा है इसका भी और बोलोसन का भी चल रहा है, बोलोसन का भी सेम वहाँ का भी स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को दिया है वो रास्ता बना रहा है वहाँ ब्लैक टॉपिंग वहाँ भी काफ़ी सुंदर है। अभी जो रास्ता हो गया तो जमुना रिवर में बहुत सारा लोग पिकनिक बनाता है और दोलाइमा रिवर भी बहुत अच्छा है, उधर में वाटरफॉल भी है हाउडोंग बोल के वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और अभी डेची बंगलो भी मार्केट की स्थापना हो चुका है, मार्केट भी शुरू कर दिया है, अभी फ्राइडे में हम मार्केट शुरू कर दिया और वहाँ में फैक्ट्री वगैरह रखने के लिए भी हम ज़मीन भी रखा है और स्टेज से या प्राइवेट जहाँ से भी हम लगा के बाजार खोलना और अदरक का प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए भी हम विचार किया है और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। हाँ यदि इलेक्ट्रिसिटी सुस्ता है खुशी है तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कल ही इस खुशी को ये भी सीमित नहीं रखे, हम लोग आगे और जाना है, सरकार का साथ दीजिएगा हम और भी काम करने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल हम लोग आए के तो बीजेपी सरकार आई तो 2-4 साल हो गया है, फिर भी हमारा समय में तो कल ही 2 ही साल हुआ, तो मैं अपना लोगों को और जनमेवासी को मैं अपना तरफ से निवेदन है कि अच्छा सरकार अच्छा लीडर देख के आप लोग फॉलो कीजिएगा और भविष्य में इससे भी ज़्यादा ये उसका परिणाम मिलेगा।